अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज असि देन लगे हैं किचन मिक्सर दे पॉइंट, गरम ते ठंडे दा पॉइंट। एक असि पॉइंट देवांगे मोटर तो ताजे पानी दा पॉइंट फिल्टर लाण वास्ते। इस वीडियो दे विच इह वी तुहानूं दस्सांगे गरम ठंडे दे पॉइंटां दी फर्श तो हाइट पमैश किन्नी हुंदी है। प्लस्तर कर दिता सी असी वर्मा लैके अंदर, वर्मे दे नाल दीवार दे विच असी सुराख पूरे पूरे कढ के ते पूरी पूरी फिटिंग करांगे। वीडियो अच्छी लगे ते वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी कर देना। पहले असी कर लैने आं ड्रिल दे नाल पूरे पूरे सुराख, फिर असी नाल ही तुहानूं दस्सांगे कि इस इन्हां दी किचन मिक्सर दे पॉइंटां दी फर्श तों हाइट पमैश किन्नी हुंदी है। पहले नंबर ते तुहाडे कोल मिस्त्री या ठेकेदार या मालक तुहाडे कोल होवे, उहदे कोल पुछ लैणा बेहतर है ताकि पॉइंट उच्चे नीवे ना हो जाण। बेहतर है कि तुसीं स्लैब जिहड़ी किचन दी किन्नी पमैश ते रखनी है। जिहड़ी आम रूटीन ते किचन दी स्लैब हुंदी है उह 32 तों 33 इंच तैयार हुंदी है। उस तों उतरी साइड ते 4 तों 5 इंच या 6 इंच हाइट रख के ते पमैश दे मुताबक पॉइंट दे दिते जांदे ने गर्म ठंडे दे। इस दी पमैश बन जांदी है तकरीबन 38 तों 40 इंच, क्योंकि 33 तों 34 इंच उहनां दी स्लैब तैयार हो जांदी है। कई कई मिस्त्री होंदे ने उह 27 तों 28 इंच स्लैब तैयार कर दिंदे ने। स्लैब दी हाइट थोड़ी जी घट रखदे ने इस वजह करके, क्योंकि उहनां दीआं लेडीज थोड़े जे छोटे कद दियां हुंदियां ने, इस वजह करके उह स्लैब दी हाइट थोड़ी जी घट रखदे ने। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਚਨ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ 38 ਇੰਚ, 39 ਜਾਂ 40 ਇੰਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 38 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 37 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 36 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 40 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪੈਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਆਖ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।